हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रेप आईएएस पे। तो दोस्तों आज का यहाँ पे टॉपिक है अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ। आपको पता होगा अफगानिस्तान में लगातार तालिबान दोस्तों आपका कब्जा कर रहा है, अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा है। और अगर प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो यहाँ पे अफगानिस्तान में कुल आपके डिस्ट्रिक्ट है 421, जिसमें से यहाँ पे कुल 40 जो आपके डिस्ट्रिक्ट है वहां पे तालिबान है। और वहीं अगर बात करें दोस्तों तो ये इसकी प्रेजेंस लगातार बढ़ रही है, वो लगातार अफगानिस्तान को कैप्चर करता जा रहा है। तो इसी के लिए यहाँ पे अशरफ घानी जो कि अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे रशिया ने आखिरकार क्यों यहाँ पे आपसे बातचीत की है, ये रहेंगे दोस्तों आज के आपके दो टॉपिक्स जिन पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये आपको वीडियो दिख रहा होगा, इस वीडियो में जो मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं ये तालिबानी है और इनका स्वागत कर रहे हैं वहां के लोकल बच्चे और लोग जो कि अफगानिस्तान के हैं। अब दोस्तों समस्या यह है कि इन तालिबानियों के आने से अफगानिस्तान की जो फोर्स है, जो आपको वीडियो में दोस्तों यहाँ पे आप लोग दिख रहे हैं, इन ये आपके अफगानिस्तान के फोर्सेस हैं जो कि लगातार इवैक्यूएट कर रही हैं अफगानिस्तान से। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आपके बॉर्डर पे जाती हैं तो बॉर्डर पे यहाँ पे इनका है ताजिकिस्तान नामक देश। अब इस देश में अगर आप देखेंगे तो ये है वो बाउंड्री जहां से आपके अफगान के सोल्जर्स लगातार क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ताजिकिस्तान की सरकार भी लगातार यहाँ पे इसी चीज का विरोध कर रही है। और यहाँ पे अब उसने रशिया के साथ में हाथ भी मिला लिया है कि अगर इन द फ्यूचर अगर कोई भी यहाँ पे तालिबान हो, चाहे वो अफगान फोर्स, अगर यहाँ पे ताजिकिस्तान में अगर एंटर होना चाहेगी तो उससे यहाँ पे उसकी कड़ी सुरक्षा की जाएगी। वहीं दोस्तों अशरफ घानी जी के द्वारा यहाँ पे तालिबान को साफ साफ चेतावनी भी दी गई है कि तालिबान अगर चाहे तो अगले 100 सालों में भी वो अफगान सरकार को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर नहीं कर सकता। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि अफगानिस्तान में जो वर्तमान समय में सिचुएशन है, करंट सिचुएशन है, उसके लिए पूरी तरह से तालिबान को ही जिम्मेदार माना जाए। दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पे आपसे रशिया के बारे में, तो रशिया के बारे में दोस्तों याद रखिएगा इससे पहले भी आपका एंटर हो चुका था जब सोवियत अफगान वॉर हुई थी, लेकिन इसके बाद जब रशिया ने इससे सीख ले ली थी दोस्तों तो आपके ये चांसेस बन रहे हैं कि रशिया यहाँ पे एयरफोर्स और आर्मी की मदद से फिर से आपका अफगानिस्तान में एंटर होगा, वहां पे तालिबान को बाहर करेगा और यहाँ पे अफगानिस्तान सरकार की हेल्प करेगा। लेकिन दोस्तों समस्या ये है कि अफगानिस्तान जो है आपका एक हिली रीजन है और एक हिली रीजन होने की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि बिना आपके आर्मी भेजे हुए आप कभी भी ऐसे देशों को जीत नहीं सकते। तो यहाँ पॉसिबल सॉल्यूशन यही रहेगा रशिया के पास कि रहेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे आर्मी का डिप्लॉयमेंट करे अफगानिस्तान। तो दोस्तों यहाँ पे रशिया के द्वारा एक स्टेटमेंट और भी जारी किया गया है कि उसके जो ताजिक मिलिट्री बेस है वो उसको फिर से एक्टिवेट कर देगा अगर यूएस यहाँ पे पुल आउट कर जाएगा आपका अफगानिस्तान से, क्योंकि यहाँ पे लगातार तालिबान का एडवांसमेंट हो रहा है और उससे लगातार आपके अफगानिस्तान की सिचुएशन और खराब हो रही है। तो दोस्तों अगर इस मैप में देखा जाए तो यहां पर अफगानिस्तान डिस्ट्रिक्ट में कुल आपकी 40 के अराउंड डिस्ट्रिक्ट जो है अभी करंट सिचुएशन में तालिबान के अंडर में है। वहीं दोस्तों एक यहां पे प्रॉब्लम और है, प्रॉब्लम है यहाँ पे कि इसके जो बॉर्डर नेशंस हैं जिसमें आपके लिए इंडिया भी शामिल है और साथ ही साथ यहाँ पे आपके लिए ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जैसे ही यहाँ पे तालिबान का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा इस पूरे सेक्टर में तो यहाँ पे सबसे ज्यादा खतरा इसके पड़ोसी देशों का होगा। और यहाँ पे अगर भारत के पक्ष में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में सबसे पहले हमला कर सकता है तालिबान अगर यहाँ पे छूट मिल गई उसको ज्यादा से ज्यादा अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए। तो इसलिए जरूरी यह है कि रशिया आपका यहाँ पर आए अपनी एयरफोर्स और आर्मी के साथ और इनको कंट्रोल करें। तो दोस्तों यहां पे भारत की तरफ से हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर गए थे ईरान के, अभी हाल ही में प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं इब्राहिम रईसी, उनसे मिलने के लिए और उनसे यहाँ पे इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तालिबानी लगातार अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं, उससे ईरान कैसे अपनी तैयारी करेगा और अपने पड़ोसी देशों में कैसे अपना बचाव करेगा। यहाँ पे देखा जाए तो जब यहाँ पे यूएस ईरान डील आपकी करंट में चल रही है, ऐसे समय में अगर इंडिया के द्वारा इंटरफेरेंस किया गया है तो ये एक बहुत बड़ा साहसिक डिप्लोमेटिक कदम कहा जाएगा इंडिया की तरफ से। और अब जब दोस्तों यहाँ पे सर्जी लेवरो के साथ एस जयशंकर गए हैं आपका रशिया में मिलने के लिए, तो यहाँ पर भी आपका अफगान मुद्दे पे ही गंभीर चर्चा की गई थी। तो दोस्तों अब यहाँ पे अगर बात की जाए आपसे भारत के पक्ष में कि आखिरकार अगर तालिबान का इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ता रहेगा तो यहाँ पे भारत को किस प्रकार की यहाँ पे मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। तो दोस्तों आपको पता होगा कि यहाँ पर भारत के द्वारा अफगानिस्तान में ना केवल वहां की पार्लियामेंट का दोस्तों निर्माण किया गया है जिसको हम लोग शोरा के नाम से भी जानते हैं, बल्कि वहां पे दोस्तों सलमा डैम है और इस सलमा डैम को यहाँ पे इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप
डैम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों ना केवल तालिबान इनको डिस्ट्रक्ट कर सकता है, बल्कि इंडिया के द्वारा दोस्तों वहां पे कई सारी लाइब्रेरी और स्कूल भी बनवाए गए हैं, उनके भी डिस्ट्रक्शन का खतरा है। और दोस्तों खतरा तो यहाँ पे इस चीज का भी हो जाएगा कि वहां पे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और जो इंडियन सिटीजन है उनको भी यहाँ पे अपनी जान का खतरा बना रहेगा। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी यह है कि यहाँ पे इंडिया आपका लगातार इस पे नजर बनाए रखे, अगर जरूरत हो तो यहाँ पे रशिया की एक हेल्प करे दोस्तों। और इस हेल्प में यहाँ पे सबसे पहले उसे याद आएगा एक नॉर्दर्न अलायंस का नाम दोस्तों। ये नॉर्दर्न अलायंस पास्ट में हम लोग यहाँ पे रशिया के साथ दोस्तों मिल करके लड़ाई लड़ चुके हैं तालिबान की, और ये दोस्तों यहाँ पे अलायंस आपका बनाया गया था। तो दोस्तों अगर बात करें इस अलायंस के बारे में तो 1996 में इसका निर्माण किया गया था। वहीं साल 2001 में जब यूएस ने एंट्री ली थी आपकी अफगानिस्तान में, उसके बाद से ये नॉर्दर्न अलायंस थोड़ा सा धीमा पड़ गया था। तो नॉर्दर्न अलायंस में दोस्तों ईरान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान और साथ ही साथ दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स और ताजिकिस्तान जैसे देश आपके शामिल हैं एज एन अलाइज। तो हो सकता है दोस्तों पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे नर्दर्न अलाइज जो है आपका ये फिर से मदद के लिए आपका आगे आएगा। नर्दर्न अलाइज को दोस्तों यहाँ पे अफगान नर्दर्न अलाइज और ऑफिशियली इसको द यूनाइटेड इस्लामिक फ्रंट फॉर साल्वेशन ऑफ अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर बात करें इस ग्रुप में तो यहाँ पे ताजिक ट्राइब के लीडर्स ही थे, लेकिन साल 2000 में यहाँ पे दोस्तों अलग अलग आपके एथनिक ग्रुप के भी लीडर को भी शामिल किया गया। दोस्तों इस अलायंस को यहाँ पे ईरान, रशिया, टर्की के साथ साथ भारत का भी भरपूर समर्थन हासिल है। तो पॉसिबिलिटी यह है कि आगे जाकर के आपको नदर अलायंस का एक नया रूप देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलते चलते अगर बात की जाए तो यहाँ पे रशिया के लिए बहुत जरूरी है कि अब वो यहाँ पे कदम उठाए ताजिकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए, साथ ही साथ यहाँ पे भारत के साथ वो लगातार बातचीत करता रहे ताकि तालिबान का जो इन्फ्लुएंस है वो ना केवल आपका नॉर्थ साइड में बल्कि ईस्ट साइड से भी यहाँ पे तालिबान के इन्फ्लुएंस को रोका जा सके। तो दोस्तों अगर इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स आपको चाहिए हो तो लगातार सब्सक्राइब करते रहिएगा प्रेप आईएएस को। थैंक यू वेरी मच।